नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 फरवरी बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में होने वाली रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित कर परीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने 8 से 10 दिन में प्रक्रिया तय कर पूरी रूपरेखा बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने बड़े पदों के अनुसार परीक्षा के आयोजन के बिंदुओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही पेपर की सुरक्षा को पुख्ता करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। कॉलेज शिक्षिका, पुलिसकर्मी और वकील से लेकर कई पेशेवर महिलाओं को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसने अधेड़ उम्र की महिलाओं को भी फांसा और एक के बाद एक 7 राज्यों की कुल 14 महिलाओं से शादियां रचाई। लेकिन ओडिशा के डॉन जुआन नाम से कुख्यात यह व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 38 सालों से शादियां रचाने में व्यस्त इस शख्स का असल नाम रमेश चंद्र स्वैन है। 64 वर्षीय रमेश ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के एक तटवर्ती गांव का निवासी है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक रमेश ने खुद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत उप महानिदेशक के रूप में पेश किया। पुलिस के मुताबिक रमेश ने अपनी पत्नियों से लाखों रुपए की ठगी भी की, जिनमें से 3 दिल्ली में, 2 ओडिशा में, 2 मध्य प्रदेश, पंजाब और असम में तथा 1 झारखंड और उत्तराखंड में रहती हैं। भुवनेश्वर पुलिस के उपायुक्त US दास ने कहा कि हमने उसकी 14 में से 9 पत्नियों को ढूंढ लिया है। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मंगलवार 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित कृति केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें तबीयत खराब होने के बाद मंगलवार को ही भर्ती किया गया था। बप्पी दा पिछले साल कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता था। उनका असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था। बप्पी लहरी म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी जाने जाते थे। बप्पी का इंडस्ट्री में 48 साल का कैरियर था। उन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 5000 गाने कंपोज किए। जोधपुर ACB ने जोधपुर में जलदाय विभाग के एक ठेकाकर्मी को 3000 रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया। यह ठेकाकर्मी रंगाई छपाई का काम करने वाले परिवारों को डरा धमकाकर रिश्वत ले रहा था। ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बकरा मंडी निवासी एक व्यक्ति अपने घर में ही रंगाई छपाई का काम करता है। उसने जलापूर्ति के लिए घरेलू कनेक्शन ले रखा है। जलदाय विभाग ने क्षेत्र में पानी के बिल वितरित करने का ठेका एक फर्म को दे रखा है। इस फर्म की तरफ से महिपाल सिंह बिल वितरित करता है। महिपाल ने परिवादी को धमकाया कि वह घरेलू कनेक्शन होने के बावजूद व्यावसायिक कार्य कर रहा है। ठेकाकर्मी ने रंगाई करने वाले परिवार को भारी पेनल्टी लगाने की धमकी दी और रिश्वत की मांग की थी। ACB ने शिकायत का सत्यापन करवाकर आरोपी महिपाल सिंह को दबोच लिया। जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा में 200 किलोमीटर कनक दंडवत कर बुजुर्ग श्रद्धालु बाबा रामदेव के दरबार पहुंचा। यह श्रद्धालु 11वीं दंडवत यात्रा तय कर रामदेवरा पहुंचा। आज बुजुर्ग श्रद्धालु ने समाधि के दर्शन किए। श्रद्धालु का इरादा इतना पक्का है कि 60 साल की उम्र में अपनी पत्नी को साथ लेकर धार्मिक यात्रा की। कड़ाके की ठंड में भी बुजुर्ग के कदम नहीं थमे। बुजुर्ग श्रद्धालु रोजाना 3 किलोमीटर तक कनक दंडवत करते हुए बाबा के दरबार पहुंचा। जयपुर जिले के बनीपार्क थाना क्षेत्र में बिटकॉइन में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 2 परिवादियों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ितों ने कर्नाटक निवासी मोहम्मद हबीब और अब्बास पर बिटकॉइन में निवेश के नाम पर 80 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में शहर के मुख्य दुकान चौराहे पर ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़ने की जानकारी सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाश भारी तिजोरी बाहर तक लेकर आ गए। अंदर भी 5 लॉकर की बड़ी तिजोरी को बदमाशों ने ताले तोड़ दिए। चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने संतोष चंद मान सिंह डागरिया के यहाँ लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी के ट्राला में टकराने से मशहूर पंजाबी गायक संदीप उर्फ दीप सिद्धू की मौत हो गई, जबकि उनकी मंगेतर रीना राय चोटिल हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दीप सिद्धू अपनी मंगेतर के साथ स्कॉर्पियो से दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर खरखौदा CHC भेजा। उनकी मंगेतर को भी CHC में भर्ती करवाया गया है। दीप सिद्धू कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया था।
पंजाब के बठिंडा स्थित नेहरू कॉलोनी निवासी पंजाबी गायक संदीप उर्फ दीप सिद्धू अपनी मंगेतर अमेरिका निवासी रीना राय के साथ स्कॉर्पियो से दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। डूंगरपुर जिले में 1.5 साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डूंगरपुर विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 7 सितंबर 2020 को पीड़ित नाबालिग के पिता ने धम्बोला थाने में केस दर्ज करवाया था। बताया था कि उसकी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ मीनावाड़ा मंदिर जाने का कहकर निकली थी। वह न तो अपनी बहन के साथ गई थी और न ही वापस घर लौटी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए युवती को बरामद किया और उसके बयान दर्ज किए। बयानों में राजू रौत निवासी डूंगरपुर बस स्टैंड से जबरन भगा ले जाकर उससे दुष्कर्म करना बताया। हनुमानगढ़ जिले के शरीका गांव में नाबालिग किशोरी की तेजाब का सेवन करने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर टीबी और हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि नाबालिग किशोरी ने तेजाब का सेवन क्यों किया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।